हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी चीज भाई एसएन जैप में। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 18 अप्रैल का मैच नंबर 10th, जो कि लखनऊ और हैदराबाद के बीच ये मैच आज शाम 7:30 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाने वाला है, ठीक है। और ये मैच गाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा हुआ मैच रहेगा। उसका गाइज मेन कारण क्या है कि देखो, डिकॉक, हैंडी क्लासेन और ऑलराउंडर सेक्शन में से आपके लिए एडम मार्कम के साथ आपको मार्को येंसेन भी इस मैच में खेलता हुआ दिखने वाला है। तो लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन रहेंगे, क्योंकि यार देखो, इस मैच में आप मतलब किसी 11 ही प्लेयर को तो यार सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज देखो, कन्फ्यूजन जो भी हो, मैं आपको बिल्कुल लॉजिक वाइज टीम दूंगा, जिस टीम के साथ आप किसी भी लीग को आप इजीली क्लीन स्वीप कर पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए वीडियो में फ्री गिवे भी है, जो कि गाइज मैच से रिलेटेड ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अगर आप क्वेश्चन का जवाब देते हो तो फिर दोस्तों आप यहाँ पर गिवे विनर के रूप में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो मेरे भाई, वीडियो तो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा गाइज देखो, आप वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना मेरे भाई, सपोर्ट समर्थन मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का गाइस मेन चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस यहां से जुड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल SHM को आप देखो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आपको लगभग सभी टीम आपको बिल्कुल फ्री में हम लोग देते हैं, किसी भी प्रकार का हम लोग कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। यहां पर आप आइए, खेलिए और दोस्तों आप यहां पर इजीली आप अर्न कर सकते हो पैसा, ठीक है। यहां से आपसे 1 रुपए भी हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते, ठीक है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप देखो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये तो बात की बात हो गई, अब मैं यहाँ पर सीधा मैच को रहता हूँ, आपका मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं। गाइज ये मैच नंबर 10th रहेगा, जो कि 7 अप्रैल शाम के 7:30 बजे ये मैच इकाना स्टेडियम लखनऊ में खेला जाने वाला है। पिच रिपोर्ट की बात कर लूँ तो गाइज देखो, यहाँ पर आईपीएल का दूसरा ही मैच खेला जाने वाला है। पहला मैच में देखो, जो टीम ने पहले बैटिंग की थी दोस्तों, देखो वहां पर जीती थी। और अगर एवरेज स्कोर की बात कर लूँ तो गाइज यहाँ पर लगभग 190 के अराउंड समथिंग आपको 190 के करीब करीब यहाँ पर आपको स्कोर बनता हुआ दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो दोस्तों, पेसर्स को तो एडवांटेज रहता है शुरू के ओवर में, यानी कि पावर प्ले में देखो यहाँ पर आपको पेसर्स विकेट लेते हुए आपको दिख सकते हैं मिडल। और गाइस देखो, मिडल के ओवर में आपको देखो यहाँ पर जो विकेट टेकर स्पिनर है दोस्तों, वहाँ पर आपको बिल्कुल हावी होता हुआ दिखने वाला है। तो मतलब एक न्यूट्रल विकेट आप मान के चल सकते हो। अगर ओवरऑल मैं बात कर लूँ तो गाइज ये मैच एक हाई स्कोरिंग आपको दिखने वाला है। तो आप देखो अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों एक हिटर्स प्लेयर्स को आप देखो ट्राई करना, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ दोनों ही टीमों की इस मैच की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो गाइज देखो चेंजेस तो श्योर होगा। पहला चेंजेस देखो, मैं लखनऊ की ओर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गाइज इस मैच में आपको क्विंटन डिकॉक अवेलेबल मतलब दिख सकता है। तो देखो मतलब प्लेइंग 11 में देखो आपको वो पक्का खेलता हुआ दिखने वाला है, ठीक है। अभी के लिए मैं बता नहीं पाऊंगा कि उनका देखो मतलब पोजीशन क्या रहेगा, क्या क्या वो लोकेश राहुल के साथ ओपनिंग करने आएंगे या फिर देखो यहाँ पर ओपनिंग पेयर उनका सेम रहने वाला है, ठीक है। बाकी यार देखो, जो भी हो आपको देखो टॉस के बाद पता चल ही जाएगा। अगर अभी की भी मैं बात कर लूँ तो गाइस लोकेश राहुल के साथ आपको कायल मेयर्स ही ओपनिंग करता हुआ दिखने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर इनका रिकॉर्ड, रिसेंट फॉर्म जो कि बहुत ज़बरदस्त है मेयर्स का, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। नंबर 3 पे दीपक हुड्डा, अभी तक इनका दोनों ही मैच उतना बढ़िया नहीं गया है, ट्राई करना हो तो देखो अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई करना। नंबर 4 पे गाइस कुणाल पांड्या, बैटिंग साथ ही देखो कभी कभी ये पार्ट टाइम देखो बॉलिंग भी करने आता है। अभी तक ये अपने कोटे का 4 का 4 ओवर किसी मैच में कर नहीं पाए। पहले मैच में तो गाइस इन्हें बॉलिंग मिली नहीं थी, दूसरे ओवर देखो इनको अपने कोटे का पूरा ओवर नहीं दिया गया, ठीक है। तो गाइस ये तो कुछ मतलब टीम के मैनेजमेंट के ऊपर है। इनके अलावा देखो मार्कस स्टोइनिस, जो कि गाइस फॉर्म में नहीं है, 2 मैच में केवल 33 रन। इनके अलावा देखो निकोलस पुरन, जो कि भाई बहुत ही विस्फोटक फॉर्म है, 2 मैच में 68 रन। और दोनों ही मैच में दोस्तों मतलब इनके बैट से बहुत ही इंपॉर्टेंट रन आए थे, ठीक है। टीम के गाइस देखो ये विकेट कीपर बैट्समैन रहेंगे। इनके अलावा गाइस देखो कृष्णप्पा गौतम, एक गाइस देखो आपके लिए रिस्की स्पिनर रहेगा, 2 मैच में 23 रन, मतलब बैटिंग भी ये ठीक ठाक करता है, बट अभी तक इन्हें 2 मैच में अभी तक एक भी विकेट मिला नहीं है। इनके अलावा गाइस देखो मार्कवुड, जो कि आपको पावर प्ले के साथ साथ गाइस देखो आपको डेथ ओवर में भी बॉलिंग करता हुआ दिखेगा, 2 मैच में टोटल इन्होंने 8 विकेट चटका चुका है। मतलब प्लेयर यार उनको फॉर्म में है, इनके पास स्पीड है, स्विंग है, तो दोस्तों देखो कहीं ना कहीं ये देखो विकेट लेने में कामयाब रह गई रहेगा। इनके अलावा देखो बिश्नोई साहब, 2 मैच में 5 विकेट, दोनों ही मैच में दोस्तों इन्होंने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की थी। मतलब यार देखो कहीं ना कहीं ये मतलब बॉलर ऐसा है कि ये मैच में वापसी करवा सकता है टीम को कभी भी, ठीक है। इनके अलावा देखो यश ठाकुर, जो कि एक युवा बॉलर रहेगा, आप इन्हें ट्राई करना हो तो देखो जेल में ट्राई करना, स्मॉलिंग में देखो इनका ट्राई करना कोई
कोई मतलब नहीं है। और फिर आवेश खान जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग करने आएगा मार्क वुड के साथ, दो मैच में अभी तक उन्होंने टोटल 3 विकेट चटका चुका है। तो गाइज ये तो होगी आपकी लखनऊ की प्लेइंग 11। यहाँ पर अगर हैदराबाद की बात कर लो तो दोस्तों देखो इनके ओपनर्स तो मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा राइट एंड लेफ्ट कॉम्बो वाले ही रहेंगे। अभिषेक शर्मा पहले मैच में डक आउट हुए थे। नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी हो गया, जो कि गाइज देखो ये तो आपको कंसिस्टेंस रन बना कर देगा। पहले मैच में अगर फ्लॉप की बात को छोड़ दिया जाए तो लगभग आपको ये देखो कंसिस्टेंट के साथ आपको ये रन बनाकर देने वाला प्लेयर है। नंबर 4 पे एडन मार्कम जिनकी वापसी हो गई है, भाई फॉर्म तो इनका बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। यहाँ पर आप इनका रिसेंट फॉर्म भी चेक कर सकते हो। टीम के देखो कैप्टन भी रहेंगे इनके अलावा गाइज हैरी ब्रुक, पहले मैच में 13 रन, एक गाइज फिनिशर का रोल ये टीम की ओर से निभाएगा। इनके अलावा देखो हैंडी क्लास है टीम के विकेट कीपर बैट्समैन, जरूरत पड़ने पर दोस्तों देखो इनके बल्ले से भी देखो अच्छा खासा स्कोर आता है। देन गाइज यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर पहले मैच में 1 रन, अभी तक इन्हें विकेट मिला नहीं है, मतलब ये इकोनॉमिकल बॉलर रहते हैं, मतलब ज़्यादा विकेट लेते नहीं है बट रन बहुत कम देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर मार्को यंगस्टेन जो कि गाइज इनकी भी वापसी होगी, लेफ्ट आर्म फास्टर बॉलर रहेगा, गति इनके पास बहुत है, लंबे कद का बॉलर है। और गाइज देखो इनसे सबसे ज़्यादा जो जिन्हें डर है वो गाइज देखो लोकेश राहुल को रहेगा, ठीक है, क्योंकि यार देखो लोकेश राहुल देखो अंदर आते हुए बॉल को बाहर जाते हुए बॉल को अच्छे से खेल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं ये विकेट चटकाने में थोड़ा सा माहिर है और ले भी सकता है। और फिर भुवनेश्वर कुमार जो कि आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, पहले मैच में देखो इनका खाता खाली रहा था, प्लस में गए देखो इनको रन भी बहुत पड़े थे, ठीक है। और फिर नटराजन के साथ उमरान मलिक जो कि आपको दोनों ही बॉलर डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। नटराजन ने पहले मैच में 2 विकेट और उमरान मलिक ने गाइस 1 विकेट लिया था। तो गाइस ये तो होगी आपकी दोनों ही टीमों की फुल प्लेइंग 11। यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ गाइस कि इस मैच में हमारे लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का गाइस ऑप्शन कौन कौन से बॉलर या सॉरी प्लेयर रहेंगे, अगर मैं यहाँ पर सेफ ऑप्शन की बात कर लूँ तो दोस्तों देखो सेफ ऑप्शन आपके लिए काइल मेयर्स, लोकेश राहुल, मार्क वुड, एडम मार्कम और मयंक अग्रवाल जैसे प्लेयर रहेंगे, जिन्हें आप देखो अपनी स्मॉल लीग की टीम में अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन आप देखो आप इजीली देखो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं रिस्की ऑप्शन की बात करूँ तो आपके लिए हैंडी क्लासन, दीपक हुडा और अस्टोनिक जैसे प्लेयर रहेंगे, और ये प्लेयर गाइस आपके लिए देखो जीएल में एक गाइस देखो बढ़िया ऑप्शन रहेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन का। आप चाहो तो गाइस इन्हें भी अपने रिस्क पे सीबीसी आप देखो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये तो मैच की डिटेल की बात हो गई। अब मैं गाइस यहाँ पर गिववे की बात कर लूँ, गाइस देखो गिववे की बात तो करूँगा बट गाइस देखो गिववे का कुछ रूल भी है जो कि मैं आपको देखो पहले बता देता हूँ। गाइस देखो अभी तक आपने टारगेट का एक काम भी पूरा नहीं किया। गाइस देखो पहला टारगेट हमारा ये रहता है कि लगभग सभी वीडियो पे 500 व्यूज तो देखो आने ही आने, बट दोस्तों अभी तक आईपीएल का गाइस देखो 9 मैच हो गया है और 9 मैच में एक भी वीडियो पे आपने मतलब 500 का टारगेट पूरा नहीं किया है। और गाइस देखो सेकंड हमारा टारगेट क्या है कि गाइस आपको मतलब हर वीडियो पे 100 लाइक पूरा करना है। तो मेरे भाई देखो वो टारगेट को पूरा करो यार, आपके लिए भाई हर वीडियो में हम लोग गिव अवे लेके आते हैं, तो भाई देखो दोनों साइड से सपोर्ट आना चाहिए, आप भी गाइस देखो सपोर्ट करो और देखो हम तो आपके लिए गिव अवे लेकर आ ही रहे हैं, ठीक है। तो गाइस टारगेट कोई बड़ा नहीं है, 500 व्यूज देखो बहुत छोटे होते हैं और लगभग 100 लाइक का टारगेट है, तो भाई देखो टारगेट पूरा करना आपका काम है और गिव अवे लाना हमारा काम है, ठीक है। तो आई होप आप ये सब बातों का ध्यान रखोगे। अब गाइस देखो गिव अवे का यहाँ पर देखो सिंपल सा गाइस क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन ये है कि दोस्तों इस मैच को कौन सी टीम इजीली जीतने वाली है, ठीक है। और गाइस देखो सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा इस मैच के गाइस देखो सेकंड इनिंग में टोटल कितना स्कोर लगने वाला है, ठीक है। आप दोस्तों चाहो तो इस आंसर को आप अप्रोक्स में भी आप देखो दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि यार देखो एक्यूरेट आंसर तो यार देखो कोई दे नहीं पाएगा, हमें भी पता है। तो देखो जितना जिसका यार देखो जितना कम अप्रोक्स होगा आप देखो उसी को देखो हम लोग पहले गिववे विनर ग्रुप में देखो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो भाई देखो गिववे का प्राइस कहीं जाने वाला नहीं है, आपके अंदर ही देखो गिववे का प्राइस देखो बटने वाला है, बट भाई देखो आप सपोर्ट करते नहीं हो तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि मेरे भाई वीडियो को आप देखो सपोर्ट करो, ठीक है, ताकि देखो हमें भी दिल से अच्छा लगे, ठीक है। तो गाइज ये तो आपकी गिववे की बात हो गई। अब मैं गाइज यहाँ पर टीम की अगर बात कर लूँ तो दोस्तों देखो ये मेरी अभी के लिए प्री फाइनल टीम है। प्री फाइनल टीम में दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी के लिए पता नहीं गाइज कि इस मैच में डिबॉक खेलेगा या फिर मार्कम खेलने वाला या फिर मार्को यंगस्टेन खेलेगा, तो फिर गाइज देखो वो टीम हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसलिए मैं गाइस देखो बार बार बोल रहा हूँ कि टीम आपको टॉस के बाद जैसे ही लाइनअप आती है आपको सभी चीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को आप देखो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कैप्टन तो गाइस देखो यहाँ पर मेरा काइल मेयर्स ही रहेगा। वीसी दोस्तों मैं यहाँ पर मार्क वुड के साथ जाऊँगा जो कि आपको ये पावर प्ले के साथ साथ आपको ये डेथ ओवर में भी बॉलिंग करके देने वाला है, ठीक है। बाकी यार देखो फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, कुछ अगर चेंजेस होता है तो टीम आपको वहाँ अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सही भाई को हमारी ओर से यार बेस्ट ऑफ लक।